जय भारत, जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान। चुनाव नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक पार्टी के अनुभव, समस्याएं एवं समाधान। लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी के उम्मीदवारों का नामांकन जमा नहीं हो पाया या जिनका नामांकन जमा हुआ उनका नामांकन रद्द हो गया, जिससे बचने के लिए पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निम्न तैयारियां की। एक, राष्ट्रीय स्तर पर सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में एक एक प्रतिनिधि चिन्हांकित करने का प्रयास किया और लगभग 50 लोकसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधियों को पार्टी में शामिल किया। दो, बिहार राज्य स्तर की कार्यकारिणी तैयार की। तीन, बिहार प्रमंडल स्तर की कार्यकारिणी तैयार की। चार, बिहार जिला अध्यक्ष नियुक्त किए। पांच, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की खोज की। छह, चुनाव में उम्मीदवार को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो, उसके लिए वीडियो बनाकर उन्हें भेजा गया, जिससे वे अपने घर पर बैठे किसी भी समय वीडियो देखकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। सात, एक प्रयोग किया गया जिसमें दूसरी, तीसरी एवं छठी में पढ़ने वाले बच्चों को लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन का वीडियो दिखाया गया, जिससे इन बच्चों ने फॉर्म दो का, फॉर्म 26, फॉर्म ए, फॉर्म बी हिंदी एवं इंग्लिश में भरना सीखा एवं सफलतापूर्वक भर के दिखाया। यदि दूसरी, तीसरी एवं छठी में पढ़ने वाले बच्चे नामांकन पत्र हिंदी एवं इंग्लिश में भर सकते हैं, तो चुनाव नामांकन कराने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र क्यों नहीं भर सकते? इसलिए यदि वयस्क उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया सीखने एवं फॉर्म भरना सीखने में रुचि नहीं लेते, तो कम से कम अपने बच्चों को अवश्य सिखाएं, ताकि कहीं से कोई भी सरकारी या गैर सरकारी पत्र फॉर्म आता है तो उसका जवाब तुरंत खुद दे पाए या बिना किसी की मदद लिए कहीं भी कोई भी आवेदन दे पाए, वरना उनके पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं होगा और उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा जो उन्हें गलत सलाह देंगे एवं मूर्ख बनाकर पैसे एवं अन्य अधिकार छीन लेंगे। इसके बावजूद भी पार्टी को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा। अनेक उम्मीदवार जिन्होंने पार्टी टिकट की मांग की थी, अंतिम समय में पार्टी को संपर्क करना बंद कर दिया। जब पार्टी ने उन्हें संपर्क किया तो एक, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, या दो, उन्होंने मोबाइल फोन नहीं उठाया, या तीन, चुनाव लड़ने के लिए पहले पैसे की मांग की, या चार, उनके पास इलेक्ट्रोल रोल का सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट नहीं था, या पांच, चुनाव के समय उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, या छह, उनके पास चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं थे, या सात, जिन्होंने वोटर कार्ड की सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए आवेदन किया था वोटर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से या गलत नाम होने की वजह से नहीं मिल पाया। पार्टी द्वारा अति पिछड़ी जातियों एवं उन जातियों को प्राथमिकता दी जा रही है जिन्हें जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। लोगों से संपर्क के दौरान यह महसूस किया गया कि अति पिछड़ी जातियों में से अनेकों लोग जिन्हें अन्य ब्राह्मणवादी, जातिवादी एवं पूंजीवादी पार्टियों से पैसा मिला हुआ है, वे इस पार्टी में झूठी कमियां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन अति पिछड़ी जातियों के नेताओं को समर्थन कर रहे हैं जो अति
पिछड़ी जातियों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व तो नहीं दिला रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी, जातिवादी एवं पूंजीवादी पार्टियों से मोटा पैसा लेकर संविधान विरोधी भ्रष्टाचारी नेताओं को वोट देने के लिए अपने जाति के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आप अपने बच्चों, परिवार, जाति, देश के साथ अन्याय नहीं करना चाहते हैं, उन्हें उनके सारे अधिकार दिलाना चाहते हैं, तो हर हालत में अपनी जाति को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिलाएं। ब्राह्मणवादी, जातिवादी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही नेताओं के किसी भी छल कपट में ना फंसें। कुछ महिला उम्मीदवारों एवं पदाधिकारियों के साथ समस्या आई कि उनके पिता, भाई, रिश्तेदार यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी घर की महिला सदस्य आगे बढ़े, इसलिए वे परिवार के उस महिला सदस्य को किसी भी रूप में बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हर समय हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं या उनके राहों में रोड़े अटका रहे हैं। हद तो तब हो गई जब उनके पुरुष रिश्तेदार उनसे ही प्रेरणा लेकर एवं सीखकर उनके पार्टी के विरोध में ही खड़े हो गए। महिला उम्मीदवार या पार्टी पदाधिकारी द्वारा उस पुरुष रिश्तेदार को पार्टी का बहुत अच्छा पदभार, पार्टी टिकट, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी आर्थिक सहायता देने, यहां तक कि पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने तक की भी पेशकश की गई, लेकिन उस पुरुष को दर्द यह था कि कोई महिला रिश्तेदार उससे आगे कैसे निकल रही है। उस पुरुष रिश्तेदार ने दूसरी छोटी पार्टी से और छोटा पद और बिना सहायता के टिकट लेकर अपने ही महिला रिश्तेदार की पार्टी के विरुद्ध खड़ा हो गया। ऐसे पिता, भाई, रिश्तेदार जो अपनी ही महिला बेटी, बहन, रिश्तेदार के अधिकार छीनते हैं, वे बहुत बड़े संविधान विरोधी एवं देशद्रोही हैं। यदि महिला ने इस तरह के लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें सजा दिलाने से नहीं बचा सकती, लेकिन महिलाओं की करुणा एवं प्यार है कि इतने पक्षपात होने के बावजूद भी पूरी जिंदगी रिश्ता निभाती हैं। एक पार्टी उम्मीदवार को फार्म ए एवं फार्म बी स्पीड पोस्ट से भेजा गया, पर स्पीड पोस्ट नामांकन के अंतिम दिन तक नहीं पहुंच पाया तो पार्टी ने उन्हें कई विकल्प दिए, जैसे एक पास के जिले से एक अन्य उम्मीदवार के पास से फार्म ए एवं फार्म बी ले लें, दो दिल्ली से खुद आकर या किसी अन्य व्यक्ति को भेज कर ले लें, उनका आने जाने का किराया पार्टी देगी, या तीन वे अपनी जगह से दिल्ली वाले रास्ते पर आधी दूरी तक आ जाएं, वहां उन्हें टिकट उपलब्ध करा दिया जाएगा, चार पार्टी उन्हें फार्म ए और फार्म बी साइन करने के लिए अधिकृत कर दे, जिसके लिए उन्हें पार्टी के दो रबर स्टैंप बनाने थे, पांच उनके द्वारा प्रस्तावित किसी व्यक्ति को पार्टी अधिकृत कर दे, छह उन्हें ईमेल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ए एवं फॉर्म बी भेजा जाए। उन्हें ईमेल से फॉर्म ए एवं फॉर्म बी भेजा गया जो उन्होंने चुनाव अधिकारी को जमा कराया, जो चुनाव अधिकारी द्वारा अमान्य करार कर दिया गया और कहा गया कि यह छाया प्रति है, और चुनाव अधिकारी ने उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार बना दिया। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पार्टी के पदाधिकारी को या उम्मीदवार को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि नामांकन के लिए जरूरी कागजात क्या हैं, कहां से लेने हैं, कैसे भरना है, किन किन लोगों की जरूरत है आदि, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सभी आवश्यक तैयारियां होने के बावजूद भी स्पीड पोस्ट समय पर नहीं पहुंच पाया। चुनाव नामांकन के पहले दिन बिहार चुनाव समिति के अध्यक्ष को आवश्यक कागजात हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया तो पहला दिन केवल दो स्टाम्प बनाने एवं फॉर्म ए बी
कॉपी कराने में लग गए। दो दूसरे दिन केवल फॉर्म ए फॉर्म बी उम्मीदवारों तक पहुंचा पाए। तीन तीसरे दिन उन्होंने फॉर्म कहां जमा कराना है और अन्य प्रक्रिया क्या है के बारे में केवल सूचना ले पाए। चार चौथे दिन केवल फोटो खिंचवाने पैसे जमा कराने और रसीद लेने तथा अन्य कागजात लेने में लग गए। पांचवें दिन उन्होंने प्रस्तावक के हस्ताक्षर लेकर फॉर्म को भरा। छठे दिन उन्होंने अपना नामांकन पत्र जमा कराया जो गलत भरा हुआ था और आवश्यक कागजात संलग्न नहीं था तो स्वीकृत नहीं हो पाया और समय खत्म होने की वजह से वह दूसरा नामांकन नहीं जमा करा पाए। पिछले 5 सालों में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जो भी मेहनत की वह बर्बाद हो गया। जब पार्टी के पदाधिकारी ही अपना नामांकन नहीं करा पाए तो अन्य उम्मीदवारों की कहां से मदद कर पाते या खुद उनका नामांकन प्रक्रिया पूरा करवा कर नामांकन पत्र जमा करवा पाते। पार्टी कार्यालय की तरफ से कोई दस्तावेज राज्य प्रमंडल जिला या अनुमंडल के पदाधिकारी को जाना है तो चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले भेज दें, क्योंकि चुनाव के समय कोई दस्तावेज भेजा जाता है तो उसे पहुंचने में काफी समय लगता है, जैसे 2019 में कोरियर द्वारा एवं 2020 में स्पीड पोस्ट द्वारा चुनाव में साइनिंग अथॉरिटी लेटर एवं फॉर्म ए फॉर्म बी पहुंचने में विलंब हुआ, जिसकी वजह से एक उम्मीदवार अपना नामांकन नहीं करा पाए। दो जो उम्मीदवार अपना नामांकन जमा करा पाए उनका नामांकन रद्द हो गया। तीन जिन उम्मीदवारों का नामांकन पत्र स्वीकृत हुआ उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार बना दिया गया। कभी भी किसी के द्वारा कोई कोरियर या स्पीड पोस्ट भेजा जाता है तो स्पीड पोस्ट या कोरियर भेजने की रसीद नंबर के साथ व्हाट्सएप पर अवश्य भेज दें या ले लें। प्रोफेशनल कोरियर का डाक जो एयर द्वारा जाता है उसकी सर्विस हर जगह के लिए उपलब्ध नहीं होती, इसलिए जिस पते पर यह सर्विस उपलब्ध है वहां प्रोफेशनल कोरियर से मंगा लें, क्योंकि स्पीड पोस्ट से दस्तावेज पहुंचने में काफी समय लगता है और काम नहीं हो पाता। विधानसभा अध्यक्ष या उसके सहकर्मी को चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सभी राजनीतिक गतिविधियों के लिए जरूरी कागजात एवं चुनाव प्रक्रिया के लिए फॉर्म 2 का धोखा फॉर्म 26 फॉर्म ए फॉर्म बी एवं अन्य चुनाव संबंधी कागजात पार्टी उम्मीदवार के लिए या पार्टी की तरफ से भरकर हस्ताक्षर करने में समर्थ हो। चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले फॉर्म ए फॉर्म बी एवं अन्य चुनाव संबंधी कागजात पार्टी की तरफ से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कर दें। पार्टी सभी पदाधिकारियों एवं उम्मीदवारों को निम्न जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी के सभी पदाधिकारियों एवं उम्मीदवारों को निम्न जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी एवं फॉर्म 2 का फॉर्म 2 का फॉर्म 26 फॉर्म ए एवं फॉर्म बी आदि भरना। दो किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय से क्षेत्र के मुद्दों जरूरतों एवं समस्याओं पर पत्र व्यवहार करना। तीन भारत का संविधान हिंदी में पढ़ना। चार भारत का संविधान इंग्लिश में पढ़ना। उपरोक्त सभी विषयों के वीडियो निम्न यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध है। रेड टीवी ऑरेंज टीवी येलो टीवी ग्रीन टीवी ब्लू टीवी इंडिगो टीवी वॉयलेट टीवी। इन चैनलों पर उपलब्ध वीडियो में से कुछ वीडियो आपको अजीब लग सकते हैं जिसमें बहुत आवश्यक शब्दों को याद करवाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि यह शब्द याद
करने अति आवश्यक हैं। इसलिए ऐसे वीडियो बनाए गए हैं जिससे आपको देखने मात्र से वह सब आसानी से याद हो जाए। जब भी वह वीडियो आप दोबारा देखें तो आपको देखने मात्र से रिवाइज हो जाए, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना हो। पूरा प्रयास किया गया कि अति पिछड़े वर्ग को या उस वर्ग को जिन्हें जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है को पार्टी टिकट दिया जाए, लेकिन अनेकों प्रयास करने के बावजूद इस तरह के उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि भविष्य के चुनावों में जो भी व्यक्ति एक सभी वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिलाना चाहता है तथा जो भारत का संविधान पूरी तरह से लागू करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, उसे पार्टी का टिकट उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि सभी सीटों पर पार्टी उम्मीदवार खड़ा किया जा सके। एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी के जो भी उम्मीदवार नामांकन करा पाए उन्हें तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन में शामिल करके अपनी सरकार बनाकर भारत का संविधान पूरी तरह से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान।